नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सीवाई एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे नीच के मंगल के ऊपर, यानी कि नीच का मंगल। तो नीच का जो मंगल है वो कर्क राशि में होता है और कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। तो आप जो ये कुंडली देख रहे हैं, ये हमारे किसी जातक ने हमें भेजी है और उनकी जो भाग्य भाव है, ये यानी कि कर्क राशि जो है नवे भाव में आ रही है, और ये जो नवा भाव है उसे भाग्य का भाव कहते हैं, पिता का भी भाव कहते हैं। तो इस भाव में मंगल देवता नीच के हो गए हैं। तो जातक काफी परेशान है, उन्हें जहां भी जाते हैं उनको यही कहा जाता है कि मंगल देवता नीच के हैं, आपके बहुत नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो थ्योरी है नीच के या उच्च के, उसमें एक सीधी आंसर दे दिया जाता है बाकी ज्योतिषाचार्यों का या जो भी है परीक्षण करते हैं ज्योतिष के ऊपर। तो वो सिर्फ इतना देखते हैं कि नीच का हो गया, यानी कि वो कर्क राशि को देखते हैं और या कोई भी जैसे ग्रह है उसकी जो नीच राशि है या उच्च राशि है उसको देख के उसकी परीक्षण कर देते हैं। यानी कि मंगल नीच का हुआ तो आप मंगल की रेमेडीज कर दीजिए, मंगल ये है वो है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है कि ये जो कुंडली है ये इसमें 12 भाव है और 12 भाव बांटा गया है, वो 30-30 डिग्री से बांटा गया है। यानी कि ये जो कुंडली है वो 360 डिग्री की है और हर भाव 30 डिग्री का है। तो ये जो आप देख रहे हैं नौवां भाव, ये 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा है। इसमें आप यहाँ देखिए 12वें भाव में आपको 5 ग्रह मिल जाएंगे। तो 30 डिग्री में जब 5 ग्रह आ सकते हैं, तो यानी कि सोच लीजिए कि 5 ग्रह आके फिर वो पांचों ग्रह अलग अलग रिजल्ट देंगे। अगर एक ग्रह एक ही घर में आ गया तो अगर एक जैसा रिजल्ट देगा तो सारे ग्रह प्लेनेट ऐसे थोड़ी देंगे, उनके अलग अलग तत्व हैं, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है 30 डिग्री में अगर मंगल देवता 16.49 डिग्री आश्लेषा पहला चरण में बैठे हैं तो वो क्या दर्शा रहे हैं। मंगल देवता के बाद ये जो डिग्री लिखी हुई है ये दर्शा रही है कि मंगल देवता इस घर में इतनी पोजीशन पे यहाँ पे बैठे हैं और वो उस समय क्या करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि मंगल जो देवता है वो उस घर में, यानी कि 30 डिग्री में, अगर 30 डिग्री का हमारा घर है, मान लीजिए हम अगर हमारा कोई रूम है या घर है, तो उस घर में मंगल देवता है वो मान लीजिए किचन में है या बेडरूम में है, तो ऐसे एक पोजीशन दी गई है उनको कि मंगल देवता जो है वो इस घर में यहाँ पे बैठे हैं और वो ये कार्य कर सकते हैं। अब 30 डिग्री में ये इस घर में बैठे हैं और वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हैं, ये हमें देखना होता है। वो हमें उस इवेंट को हमें कैच करना होता है और मंगल देवता उस चीज को लेके बैठे हैं, हमें उससे वो कार्य करवाना होता है। अब वो नीच के हैं या उच्च के हैं, हमें उससे अभी कुछ नहीं लेना देना। हमें किस चीज से लेना देना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि हमें अगर शादी से रिलेटेड कुछ कार्य करना है, शादी को देखना है या एजुकेशन को देखना है, तो उसमें मंगल का क्या रोल हो सकता है। अगर मंगल उसमें कुछ रोल निभा रहे हैं तो हम मंगल को अपने जो भी प्रेडिक्शन है, मतलब जो भी उसका रेमेडी होती है या जो भी उसका स्टोन होता है, हम उसको करके हम उससे वो रिजल्ट ले सकते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि मंगल जो है या कोई भी प्लेनेट उस डिग्री पे बैठा है, वो मोड़ क्या है, उस मोड़ को, उस पाथ को पकड़ना जरूरी है। तो आपको एक हिंट के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे कि ये मंगल देवता है, इस कुंडली में मंगल देवता जो है वो भाग्य भाव में है, तो वो किन ग्रहों को सिग्निफाई करते हैं, यानी मंगल देवता लग्नेश है, तो लग्नेश ही नीच का हो गया, तो ये बुरा हो गया। लेकिन आप देखिए मंगल देवता की दो राशियां होती है, एक तो मेष राशि जो छठे भाव में आ रही है और एक होती है वृश्चिक राशि जो पहले भाव में आ रही है। तो मंगल देवता पहले घर का भी सिग्निफाई करते हैं और छठे घर को भी और हमारे नवे घर को भी, यानी कि नवे घर का संबंध पहले से और पहले का छठे से। तो आप ये चीज को काउंट करना है। फिर वो किस नक्षत्र में, तो हमें साफ साफ दिया गया है यहाँ पे कि 16.49 यानी कि आश्लेषा नक्षत्र, आश्लेषा जो नक्षत्र है वो बुध देवता का है। आश्लेषा नक्षत्र गण मूल में आता है, तो ये पहला चरण है, तो उसे आप
उस हिसाब से देखिए आश्लेषा नक्षत्र तो यहाँ पे मंगल कर्क राशि 16.49 डिग्री चंद्रमा की राशि में है, कर्क राशि है, आश्लेषा नक्षत्र है बुध का नक्षत्र स्वामी है और उप नक्षत्र भी बुध का है और उप उप नक्षत्र भी बुध का है। तो अब मंगल देवता किस चीज के रिजल्ट देंगे, मंगल देवता रिजल्ट देंगे बुध देवता के, बुध देवता क्या दे रहे हैं तो बुध देवता के क्या रिजल्ट है वो मंगल देवता देंगे। तो ये आप यहाँ पे अगर थोड़ी सी सूक्ष्म में जाओगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये उनकी जो प्लेनेट है जिनको वो भावों को दर्शाता है, तो वो चीज आप देख सकते हो। जैसे मंगल छठे को, पहले को, नवे भाव को दर्शाता है, तो बुध देवता जो है आठवें और ग्यारहवें को भाव को दर्शाता है। तो आठ बारह आठ ग्यारह ये जो भाव होते हैं, मतलब ये आप इनके जो लिखे हुए हैं उनमें आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको बस यही देखना है। जैसे बुध देवता बारहवें भाव में बैठे हैं और बुध देवता बारहवें भाव में बैठ के और आपके ये जिन घरों के मालिक हैं, यानी कि ग्यारहवें घर के मालिक हैं और आठवें घर का मालिक है, तो आपको ये जो चीजें हैं ये नोट करनी है। तो बुध देवता बारहवें छठे और ग्यारहवें भाव के रिजल्ट देगा, तो ये रिजल्ट बहुत ही नेगेटिव की तरफ जाता है। तो अगर आप मंगल की रिजल्ट देखोगे तो मंगल जो दे रहा है बहुत बुरा रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि मंगल जो है स्वयं छठे घर का मालिक भी है और नीच का भी हो गया है, तो उसके बाद उसने बुध के नक्षत्र बुध के रिजल्ट दिए, तो बुध जो है आठवें घर का भी मालिक है और बारहवें घर में बैठा है, तो छह आठ बारह का रिजल्ट बना, तो ये जो चीज है ये बहुत बुरी हुई, क्योंकि छह आठ बारह जो है वो कुंडली का त्रिक भाव माना जाता है और ये जो चीज है बहुत ही नेगेटिव मानी जाती है हर कार्य के लिए, तो आपको इसमें बहुत ही बुरा रिजल्ट मिला। तो हमेशा रिजल्ट को निकालने के लिए उसकी प्रेडिक्शन को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप जो बुध देवता है वो बुरे रिजल्ट दे रहे हैं, तो अब अगर मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें अगर बुध का अंतरा आ रहा है तो आप वहां से बुध की रेमेडीज कर सकते हैं, उससे पहले आपको जरूरत नहीं है रेमेडीज करने की या कुछ घबराने की। जब आपको मंगल का अंतरा आएगा तब आपको ये सोचना है कि यार हम ये काम कर रहे हैं हमारे इस चीज से नुकसान हो सकता है, तो आप वहां से उस कार्य से हट जाएं, या नहीं हट पाते हैं तो मंगल देवता की रेमेडीज करें जिससे कि आपको उस कार्य में नुकसान न हो। तो ये चीजें हैं, आप हमेशा अकाउंट करें। मान लीजिए अगर बुध देवता बारहवें घर में न होते और ग्यारहवें ही घर में विराजमान होते अपनी ही राशि में उच्च के, तो आप ये उसका रिजल्ट है वो बिल्कुल बदल जाता। क्यों बदल जाता? क्योंकि आठवें घर का संबंध ग्यारहवें घर से हो जाता, तो आठवां घर का ग्यारहवें घर से जब संबंध हो जाता है तब आपको जो है एक अलग से प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट का बोले तो एक लॉटरी का, अगर आपको किसी लॉटरी की टिकट ली है तो लॉटरी में आपको मतलब प्राइस लग सकता है, आपको अगर शादी हो रही है तो खूब सारा दहेज मिल सकता है, खूब सारा। और आपको ये भी हो सकता है कि मतलब अगर आपका इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम अटका हुआ है तो उस समय वो रिकवर हो सकता है, उसका जो मतलब वो जो चीज है वो कुछ रुकी हुई चीज है या कुछ दबी हुई चीज है। अष्टम घर जो है वो दबा हुआ भी माना जाता है, तो दबा हुआ खजाना है, ये जो चीजें हैं वो आपको उस समय मिल सकती है। तो कोई भी प्लेनेट हो उसका जो रिजल्ट है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन और सब चीजों को काउंट करने के बाद ही आता है। तो उसके बाद हम ये एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास किस जातक का एग्जांपल था, अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ तो उसमें मैं थोड़ी सी डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस कर देता हूँ। तो हम ये किसी की है नहीं, मैं तो ऐसे ही लगा रहा हूँ ये। अब ये जो कुंडली आई आपके सामने सेम कुंडली है, कोई फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं बदला इसमें, मतलब ज्यादा कुछ नहीं बदला है। मंगल देवता है वो 20 डिग्री के हैं और आश्लेषा ही नक्षत्र में है और यही लग्न है और बारहवें भाव में सारे ग्रह हैं, बस बुध देवता जो बारहवें भाव से निकल के ग्यारहवें भाव में आ गए हैं, बस इतना ही कुछ बदला है। तो अब हम रिजल्टों को देखते हैं, रिजल्ट क्या बने क्या नहीं बने।
तो रिजल्ट जो है वो बिल्कुल बदल जाते हैं कई बार। तो अब ये देखिए, मंगल जो देवता है वो 20.17 डिग्री आश्लेषा नक्षत्र में है। तो आश्लेषा नक्षत्र में है। अब हम यहाँ पे नीचे देखिए, मंगल जो है 20.17 डिग्री चंद्रमा की राशि है, कर्क आश्लेषा नक्षत्र है, वो बुध का नक्षत्र है, और उप नक्षत्र जो है वो शुक्र का है, यानी कि यहाँ पे शुक्र जो है वो बदल गए। तो अब क्या रिजल्ट देंगे मंगल देवता? तो मंगल देवता जो है वो वही रिजल्ट दे रहे हैं पहले वाले, लेकिन शुक्र देवता अब आ गए। और तो शुक्र देवता ने सातवें घर का, जो शुक्र देवता जो है वो सातवें घर में, उनकी एक राशि आ रही है, वो खुद भी सातवें घर में ही विराजमान है, और उनकी दूसरी राशि जो है वो सातवें घर में आ रही है, और वो खुद बारहवें घर में विराजमान है, सॉरी। तो अब ये 7 और 12 का रिजल्ट भी ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा मंगल? तो अब ये होगा कि अगर आपको मंगल की दशा या मंगल का अंतरा चल रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा अग्रेशन में रहेंगे, आप किसी से भी झगड़ा कर सकते हैं। और अगर गोचर में कुछ ऐसी ही स्थिति बनती है और प्लूटो भी मंगल के साथ आ जाए कहीं से, तो फिर आप मर्डर तक की घटनाओं को भी अंजाम दे सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये अलग अलग थ्योरी है, इसमें ट्रांजिट का भी बहुत रोल है इसमें, और सड़बल का भी है, काफी चीजें हैं इसमें मिली जुली है। तो रिजल्ट जो है वो एक चीज से नहीं निकलता है, उसके लिए आपको बहुत सी चीजों की गणना करनी पड़ती है। अब मंगल वही चौथे घर में है, नीच के हैं, पहली वाली कुंडली में भी नीच के थे, इस वाली भी कुंडली में भी नीच के, लेकिन इस वाली कुंडली में आपको मंगल देवता मर्डर तक की घटनाओं में सम्मिलित कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसमें ये भी फायदा हो सकता है कि अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप जो है मंगल की आपको ये दशा चल रही है, और उसमें एक अच्छा अंतर आ जाता है बुध देवता जैसे का, बुध देवता का, तो आपको उसमें मंगल की दशा में बुध के अंतरे में आपको पुलिस लाइन में भी जॉब मिल सकती है, क्योंकि मंगल में ऐसी जो कॉम्बिनेशन बनता है अग्रेशन का, वो नॉर्मली पुलिस में या मिलिट्री जैसे फोर्सेस में आपको मिलेगा, क्योंकि उनको हमेशा ही अग्रेसिव रूप के लिए देखा जाता है, मतलब एनर्जेटिक रूप के लिए। तो उस ये जो टेबल बनती है वो आप देख सकते हो उसमें, उनमें भी। तो कोई भी प्लेनेट हो, नीच का हो चाहे उच्च का हो, उसका रिजल्ट आप एक प्रोफेशनल वे से निकाले, ऐसे ही उस पर प्रेडिक्शन ना करें। अगर किसी के भी उच्च का नीच का हो तो उसमें घबराएं नहीं, उसके अच्छे रिजल्ट भी आ सकते हैं, बुरे रिजल्ट भी आ सकते हैं। अच्छा रिजल्ट आप कैसे उसको निकालोगे, और बुरा रिजल्ट किस चीज के लिए बुरा है? कई बार क्या होता है कि बुरा रिजल्ट तो होता है, लेकिन वो बुरा रिजल्ट आपको कई बार फायदा भी दे देता है। तो हमेशा याद रखिए, आप रिजल्ट निकाल के ही उसकी रेमेडीज या उसका स्टोन पहने, ऐसे ही कुछ ना करें बिना ही मतलब के। ज्यादातर आजकल देखा जाता है कि राशि रत्न बड़ा चलता है, कि राशि देखो और उसका रत्न पहन लो, नहीं, ये सब मूर्ख बातें हैं। कभी भी राशि रत्न को उपयोग नहीं करना चाहिए, यह आपको बहुत नुकसान दे सकता है। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी प्लेनेट हो उसका रिजल्ट है वो अच्छे से निकालिए। और हमारा जो ये वीडियो बनाने का आश्रय इतना ही है कि लोगों को समझाएं कि ज्योतिष जो है वो बहुत गहन अध्ययन के लिए बनी है, और उसमें आप ऐसे ही स्नैप प्रेडिक्शन न करें, उसको देखें, बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको काउंटिंग करें और उसके बाद कोई प्रेडिक्शन पे निकले। तो ये जो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, या उससे कुछ सीखने को मिला या कुछ कमी रही हो, तो आप मुझे जरूर बताएं। मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट डालिए, और ज्योतिष संबंधी कोई क्यूरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com, और अगर सीखना चाहते हैं ज्योतिष तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।